आपने यूपीएससी जैसे एग्जाम में देखा होगा कि कुछ टर्म्स ऐसे आ जाते हैं जिनको समझना मुश्किल होता है और उनको बिना समझे हम क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाते हैं। तो संसद से संबंधित कुछ टर्म्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन वहां पर क्वेश्चन को प्रश्न को समझने में बहुत ही ज्यादा सहायता करने वाले हैं। तो हम संसद के अंदर सत्र जो होता है उसके संबंधित जो शब्दावली है मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि संसद की बैठक स्थगन। तो स्थगन क्या होता है, कई बार आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि संसद का स्थगन कर दिया गया है, न्यूज में भी देखा होगा कि दोनों पार्टियों के बीच में बहस हो गई और संसद का स्थगन कर दिया गया है। तो क्या है स्थगन? संसद की बैठक को कुछ घंटों, कुछ दिनों और कुछ हफ्तों के लिए स्थगित करना स्थगन कहलाता है। क्योंकि ये टर्म समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर कोई कथन के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कोई क्वेश्चन के अंदर कथन आ जाता है तो उसके लिए इन टर्म्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना टर्म्स को समझे हम क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए स्थगन का मतलब ये होता है कि संसद के अंदर होने वाली जो बैठक है उसको कुछ घंटों, दिनों या कुछ हफ्तों के लिए स्थगित करना स्थगन कहलाता है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन। तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का मतलब यह है कि संसद की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। सत्रावसान। अब सत्रावसान क्या होता है? तो सत्रावसान का मतलब यह है कि बैठक और सत्र की समाप्ति। बैठक और सत्र की समाप्ति। तो एक साल के अंदर कितने सत्र होते हैं? तो तीन सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विंटर हो गया, समर हो गया और एक गर्मियों का हो गया, सर्दियों का हो गया और एक बारिश का जो होता है वो वाला हो गया। और उन दो सत्रों के बीच के अंदर मिनिमम कितना गैप होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने का होना चाहिए। तो सत्रावसान बैठक और सत्र की समाप्ति होती है और सदन का सत्रावसान राष्ट्रपति ही कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति है, जो प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। अवकाश। अवकाश का मतलब होता है सत्रावसान और अगली बैठक के बीच का समय अवकाश कहलाता है। और विघटन क्या होता है? विघटन होता है इससे लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। केवल राष्ट्रपति ही सदन को भंग या विघटित कर सकता है, लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर भी कर सकता है। और अगर ये लग जाए कि जो सरकार है वो अपना बहुमत सिद्ध कर पाने में नाकाम हो चुकी है, तब भी राष्ट्रपति सदन को भंग या विघटित कर सकता है और केवल लोकसभा को ही विघटित कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि लोकसभा ही एक विघटित किए जाने वाली सदन के अंदर विघटित किए जाने वाली सदन है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन माना जाता है। माना जाता क्या है? स्थायी सदन ही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये संसद से संबंधित जो शब्दावली है समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।